की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को सर्वविदित है कि हम अपने चैनल पर हिंदी की क्लासेस चला रहे हैं और हिंदी की क्लासेस में जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो हमारा संधि का चल रहा है और संधि में भी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों व्यंजन संधि। और ये दोस्तों हमारी क्लास है जो 28वीं क्लास है हिंदी की। अब तक हमने हिंदी की 27 क्लासेस ले चुके हैं और आज की जो क्लास है हमारी 28वीं क्लास है। दोस्तों व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन संधि में दोस्तों हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि व्यंजन संधि की पिछली क्लास में हमने नियम स्टार्ट करा दिए थे और उन नियमों में हमने कुछ नियम आपको करवा दिए थे। तो उन नियमों की अगर बात करें दोस्तों, तो उन नियमों में हमने सबसे पहला जो नियम आपको करवा दिया था उस समय, कि जो हमने पहला नियम करवाया था दोस्तों वो ये करवाया था कि अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में कोई भी क्या आ जाए दोस्तों, सघोष वर्ण आ जाए, कोई भी क्या आ जाए दोस्तों, सघोष वर्ण आ जाए, कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, तो जो वर्ग का पहला अक्षर होगा दोस्तों ये किस में बदल जाएगा, वर्ग उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। एक बात और याद रखना दोस्तों, हमने बताया था कि अगर वर्ग के किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और प्रथम वर्ण के बाद में कौन सा वर्ण हो, सघोष वर्ण हो, और सघोष वर्ण भी कैसा हो दोस्तों, पांचवा छोड़कर, कौन सा छोड़कर दोस्तों, पांचवा छोड़कर हो, पांचवा छोड़कर हो, क्लियर हो, तो क्या होगा दोस्तों, वर्ग का प्रथम वर्ण किसमें बदल जाएगा दोस्तों, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। उसके बाद में एक और हमने नियम बताया था दोस्तों, दूसरा नियम हमने पढ़ाया था, अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में क्या हो दोस्तों, कोई भी पंचमाक्षर हो, पांचवा यानी वर्ग का पांचवा वर्ण, यानी जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, जो पांचवा छोड़ा था, वो अगर पांचवा अगर हो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में हो, तो जो वर्ग का प्रथम वर्ण होगा अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। नियम हमने ये कराए थे। अब देखो दोस्तों, आप पिछली क्लास में जाके दोनों नियम अच्छे से देख सकते हैं। अगर उन नियमों में हम बात करें दोस्तों, तो आपके मन में एक और डाउट हो रहा होगा कि सघोष वर्ण क्या होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सघोष वर्ण हम किन्हें बोलते हैं, तो आपको समझा दें कि सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को बोलते हैं। और इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं सघोष में, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। और बात करें दोस्तों अंतस्थ वर्ण के अलावा हा, हा के अलावा सभी स्वर, सभी स्वर, ये सभी स्वर किस में आते हैं दोस्तों, सघोष वर्णों में आते हैं। तो हमने आपको बता दिया है दोस्तों कि हमने क्या करना है, अगर वर्ग के बाद में कोई भी सघोष वर्ण हो, किसको छोड़कर हो दोस्तों, इस पांचवें वर्ण को छोड़कर हो, तो क्या होगा दोस्तों, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और उसके बाद में अगर दूसरे नियम में बात करें, तो दूसरे नियम में हमने बताया था कि अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में क्या हो दोस्तों, कोई पंचमाक्षर हो, तो क्या होगा दोस्तों, वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नियमों की। यहाँ से हमारे कुछ विशेष नियम हमने बताते हैं दोस्तों कि हमारा वर्ग का प्रथम वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। वर्ग का अगर प्रथम वर्णों की बात करें, तो प्रथम वर्ण होते हैं दोस्तों का, चा, ता, ता और पा, ठीक है। ये क्या होते हैं दोस्तों, वर्ग के प्रथम वर्ण होते हैं, यानी जो हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं, इस एक का मतलब क्या है, का, चा, ता, ता, पा। इनके बाद में क्या हो दोस्तों, वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों, या, रा, ला और वा, ठीक है, या हा हो या सभी स्वर हो, तो क्या होगा, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अभी इन्हीं नियमों से, यानी इन दोनों नियमों से संबंधित कुछ विशिष्ट नियम मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब बात समझना, विशेष नियम किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो विशेष नियम इस हा से रिलेटेड है। हा हिरण है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा ये हा है, इस पे विशेष फोकस करना है। इससे संबंधित कुछ विशेष नियम मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे पहले। अब इन नियमों के बाद में बात करें दोस्तों, अगर बाय चांस क्या हो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हा में एक विशेष नियम और चलता है। वो क्या चलता है दोस्तों, याद रखना कि मान के लो, सपोजेस्ट हमने वर्ग का प्रथम वर्ण का ले लिया। कौन सा ले लिया दोस्तों, प्रथम वर्ग, वर्ग का प्रथम वर्ण हमने ले लिया का, ठीक है दोस्तों। अगर का के बाद में क्या हो दोस्तों, हा हो, क्या हो, हा हो, तो इस कंडीशन में देखो दो कंडीशंस बनती है दोस्तों। जो का होगा किसमें बदल जाएगा दोस्तों, नियम के अकॉर्डिंग पहला वर्ड किसमें बदल जाता है, तीसरे में। अगर वर्ड बन पहले वर्ड के बाद में क्या हो दोस्तों, हा हो, तो पहला वर्ड किसमें बदल जाएगा, तीसरे में। तो का किसमें बदल जाएगा दोस्तों, का हमारा बदल जाएगा तीसरे वर्ड में। तीसरा वर्ड क्या होता है दोस्तों, हमारा गा, क्लियर दोस्तों, का किसमें बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। और जो हा होगा
वो हा की जगह क्या होगा दोस्तों, अपने ही वर्ग के चौथे वर्ड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, घा में बदल जाएगा। नियम ये होता है, विशेष नियमों का तात्पर्य बस यही है कि इस नियम के अकॉर्डिंग तो ये हो रहा है, केवल इसी में बदलाव हो रहा है, यानी पहले वर्ड पहला वर्ड किस में बदल रहा है दोस्तों, तीसरे में बदल रहा है। लेकिन अगर का के बाद में हा हो तो जो का होगा अपने तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। और जो हा होगा वो हा इस का के किस में बदल जाएगा दोस्तों, चौथे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, चौथे वर्ड में बदल जाएगा। सपोज दैट, अब जैसे मैं एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ दोस्तों कैसे बदलता है। दोस्तों नियम हमारा क्लियर हो गया कि नेक्स्ट नियम चल रहा है हमारा, अगला नियम इसको समझना है दोस्तों। नेक्स्ट नियम, थर्ड नियम, तीसरा नियम है। अब इस नियम की बात करें दोस्तों, तो ये तीसरे नियम है हमारा, इस तीसरे नियम को अच्छे से समझना है। क्या होगा, का के बाद में अगर हा हो तो खा किस में बदल जाएगा, गा में। अगर हा किस में बदल जाएगा, इसी वर्ग के चौथे वर्ड में बदल जाता है, तीसरा चौथा आ जाता है क्रम से, अगर का के बाद में हा हो। तो देखो कैसे होता है दोस्तों, मैं फोर एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देता हूँ। एक एग्जाम्पल्स हमारा जैसे वाक धन हरि, ठीक है दोस्तों, वाक धन हरि। अब इसमें देखो दोस्तों एग्जाम्पल्स, इसके अगर हम संधि करें दोस्तों तो याद रखना कि का के बाद में क्या है, हा है। का के बाद में क्या है दोस्तों, हा है। तो नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो का की जगह पर हम क्या कर देंगे, वाक कर देंगे, और हा की जगह पर क्या कर देंगे, घा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, घा कर देंगे, तो घरी हो गया, ठीक है, बाघ धन घरी। अब इसको क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा गा है तो गा आधा है, तो उसको आधा करेंगे तो उसकी खड़ी पाई हटा देंगे, खड़ी पाई हटा दी दोस्तों, फिर उसके बाद में घरी, तो क्या बन गया दोस्तों, बाघ घरी बन गया। नियम समझना। अब इसके अलावा दोस्तों हमारा इस नियम के अकॉर्डिंग करें दोस्तों इसको, तो क्या होगा दोस्तों, इस नियम के अकॉर्डिंग केवल का में ही बदलाव करेंगे हम। किस में करेंगे दोस्तों, का में ही बदलाव करेंगे। क्या, का की जगह क्या कर देंगे, गा कर देंगे, और हरी को हम शेष नियोगित ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वाघ हरी, क्या कर देंगे दोस्तों, वाघ हरी कर देंगे। बात समझना दोस्तों, वाघ हरी कर देंगे, यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा वाघ हरी। अब समझना दोस्तों कि दोनों ही दोनों जो एग्जाम्पल्स बन रहे हैं, यानी नियम वन के तहत और नियम तीन के तहत, दो हमारे उदाहरण बन रहे हैं। अगर नियम वन के तहत भी क्या हो रहा है, हा आ रहा है, और इस नियम के तहत क्या हो रहा है, केवल तीसरा हो रहा है, लेकिन इस नियम के तहत क्या हो रहा है, घा बन रहा है। तो दोनों देखो दोस्तों एग्जाम्पल में, अगर आपको चाहे बाघ घरी मिल जाए चाहे बाघ घरी मिल जाए, दोनों ही सही माने जाएंगे। दोनों ही हम यहाँ पे हा भी कर सकते हैं, घा भी कर सकते हैं, दोनों हमारे सही हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे बाघ घरी लिखने की जगह पे क्या करता है, बाघ घरी ज्यादातर एग्जाम्पल्स में देता है, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। बात क्लियर होगी दोस्तों, यहाँ पे बात समझ गए होंगे। नियम नंबर तीसरा हमारा क्लियर हो गया, क्या होगा, का के बाद में अगर हा हो तो हा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हा भी कर सकते हैं हम, और घा भी कर सकते हैं, दोनों हैं। अगर दोनों में से कोई सा भी आ रहा हो तो सही माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार प्रत्येक पांचों नियम पांचों वर्डों में चलते हैं हमारे। जैसे हम अगला फोर्थ नियम करें दोस्तों, अपना चौथा नियम करें, चौथे नियम में क्या है दोस्तों, चा, अगर चा के बाद में क्या हो दोस्तों, हा हो, क्या हो, चा के बाद में क्या हो दोस्तों, हा हो, तो क्या होगा दोस्तों, कि चा तो अपने तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, इस नियम अकॉर्डिंग तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। और चा का जो तीसरा वर्ड होता है वो क्या होता है दोस्तों, जा होता है, क्या होता है, जा होता है, क्लियर। और इसके बाद में जो हा होगा इस चा वर्ग के में, यानी ये चा है, ये किस में बदल गया, तीसरे में। और इस चा का चौथा कौन सा है दोस्तों, चा का चौथा कौन सा है, झ, कौन सा है, झ। और हा किस में बदल जाएगा, झा में बदल जाएगा। बात समझना दोस्तों, क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक हाकिस में दिल जाएगा झ में। इसी प्रकार नियम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स में इसका ले लेता हूं। जैसे मान चलो सपोज दैट दोस्तों हमने ले लिया अच प्लस हींग, क्या ले लिया दोस्तों, अच प्लस हींग। तो इसके दो बन सकते हैं, या तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हा की जगह पे हा ही रहने देंगे, या हा की जगह पे झा कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों हमने आ लिख दिया, यहाँ पे आ लिख दिया, और चा की जगह पे क्या कर दिया, झा कर दिया दोस्तों, एक तो ये हो गया। और हा की जगह पे हम झा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, झा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, हीन, यानी अजीन हो जाएगा। यहां पर हम इसकी जगह पे एक दूसरा एग्जांपल ये भी कर सकते हैं, अजहीन, अजहीन। दोनों ही दोस्तों क्या है, सही हैं, दोनों ही दोस्तों क्या है, सही हैं। और अगर इसके और भी एग्जाम्पल्स करें, जैसे इसके करें हम प्राक धन हरण, प्राक धन हरण, इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसके क्या बनेंगे दोस्तों, दोनों एग्जाम्पल्स, अगर इसके एग्जाम्पल्स बनाएं, देखो दोस्तों पिरा और का से हो गया गा, और इसे हरण, प्राग हरण। और एक और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं हम इससे, प्राग घरण, प्राग घरण। दोनों ही सही हैं हमारे, दोनों ही सही माने
जाएंगे एग्जाम्पल आपको ज्यादातर घा देगा। क्या देगा दोस्तों? घा देगा हा की जगह। हा को हम उसी वर्ग के चौथे वर्ड में बदल देते हैं, ये नियम हमारा चलता है। जैसे हमारा अच प्लस सीन हमने लिख दिया तो ये अच्छीन हो गया, और जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल करें तो अच प्लस ह्रस्व, ठीक है। इसके भी दो एग्जाम्पल्स, दो संधियां होती हैं दोस्तों। एक तो हम चा की जगह पे जा कर देंगे तो जो की तो नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अज हो जाएगा। चा की जगह पे आधा जा कर दिया। अब हा की बात करें दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे झ्रसु कर सकते हैं, तो झ्रसु कर सकते हैं, और हा को जो की तो नहीं लिख सकते हैं, अझ्रसु और अझ्रसु कर सकते हैं। दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स हमारे क्या है दोस्तों? सही माने जाएंगे। ये विशेष नियम चल रहे हैं दोस्तों, इनको अच्छे से समझ लेना। अगर का के बाद में हा हो तो हा को हम घा में बदल सकते हैं, और हा में इन दोनों जगह कर सकते हैं। हा भी करेंगे तो भी सही माना जाएगा, और घा करते हैं तो भी सही माना जाएगा। एग्जामिनर इस नियम को फॉलो करता है, दो नियमों से इनकी संधियां होती हैं, अगर का के बाद में हा हो एंड प्रथम वर्ण के बाद में हा हो दोस्तों। क्लियर। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों हमारा। उसके बाद में टा और ता आता है दोस्तों। टा और ता की बात करें दोस्तों क्या होता है उसका देखते हैं। और टा और दा की देखें दोस्तों, अगर क्या हो दोस्तों, अगर क्या हो दोस्तों, टा के बाद में क्या हो दोस्तों? हा हो। टा के बाद में क्या हो दोस्तों? हा हो, तो क्या कंडीशन होगी? ये जो ता हो, टा होगा दोस्तों अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, और अपने वर्ग का इसका तीसरा कौन सा दोस्तों? डा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? डा में। और हा होगा किस में बदल जाएगा? या तो हा ही रहेगा, हा भी कर सकते हैं, या फिर इसी टा वर्ग का चौथा, यानी इसका क्या हो गया दोस्तों? ये तो तीसरा हो गया, और अगर इसके चौथे की बात करें दोस्तों तो इसका चौथा कौन सा हो जाएगा? ढा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ढा हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल्स मैं जैसे यहां पे लिख देता हूं, जैसे सट धन हल, सट धन हल, तो इसको हम दो तरीके से इसकी संधि कर सकते हैं। एक तो ढा की लिख सकते हैं यहाँ पे हा की जगह पे, या फिर इसको हा ही रहने देंगे, दोनों ही सही माने जाएंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे ले दिया सा, और टा की जगह पे क्या कर दिया दोस्तों? डा कर दिया, और हल की जगह पे हमने क्या लिख दिया? ज्यो की तो ही हल लिख दिया, सड हल। अब उसके बाद में अगला एग्जाम्पल्स करें तो सट हमने ज्यो की तो सड कर दिया इसको, और हा की जगह पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? ढा कर सकते हैं, और इसको इस प्रकार सडल या सडहल, ठीक है, सडहल या सडल, दोनों ही हमारे एग्जाम्पल्स क्या होंगे? सही होंगे। और एग्जाम्पल क्या करता है दोस्तों? सट प्लस हल कर देता है, और उत्तर में इसको रख देता है। स्टूडेंट वही कंफ्यूज हो जाता है, इसको नहीं रखता है, दोनों में से कोई ना कोई एक रखेगा, ज्यादातर इसको नहीं रखेगा, इस प्रकार इस संधि को रखता है, दूसरी संधि, दूसरे नियम वाली, दूसरे नियम जो फॉलो कर रहा है उस नियम की संधि को रखता है, और स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको नियम अच्छे से समझने, इसी दोनों नियमों के क्या चल रहे हैं? विशेष नियम होते हैं दोस्तों, इसको समझना है दोस्तों आपसे। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में बात आ गई? अगर टा के बाद में हा हो तो हा को हम किस में बदल सकते हैं? ढा में बदल सकते हैं, और टा के बाद में अगर डा हो, सॉरी टा के बाद में हा हो तो टा तो तीसरे में बदलेगा, इस नियम के तहत ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस हा की बदलाव होता है, हा क्या हो जाता है दोस्तों? उसी वर्ग के चौथे में बदल जाता है, उसी वर्ग के उसके चौथे वर्ड में बदल सकते हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट अगले नियम की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला नियम है हमारा ता का। किसका नियम है? ता का। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये बहुत ज्यादा चलता है दोस्तों। फोर्थ नियम, अगला हमारा तीन नियम हो गए हमारे का चा टा के, और दो तीन पांच है छठवें नियम की अगर बात करें दोस्तों। छठवां नियम हमारा ये कह रहा है कि अगर ता के बाद में, इसके बाद में दोस्तों, ता के बाद में क्या हो दोस्तों? हा हो, तो ता किस में बदल जाता है? अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, तो तीसरा इसका क्या है दोस्तों? द। और हा किस में बदल जाएगा? ता इसी वर्ग के चौथे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? चौथे में बदल जाएगा। और ये हा है किस में बदल जाएगा? इसी वर्ग के चौथे में। चौथा क्या होता है दोस्तों? धा में बदल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, समझना अच्छे से। ये तो चौथे में बदल गया, इधर से ता वर्ग के चौथे में हा, और ये ता किस में बदल गया? इसी अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया। अच्छा नियम है, समझना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसी के विशेष नियमों में चल रहा है। तो देखो दोस्तों, इस नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पहले वर्ड के बाद में सर्वोच्च वर्ड यानी हा भी आ रहा है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग तो क्या होगा? हा ही रहेगा। लेकिन मैं जो शेष नियम करा रहा हूँ वो नियम, इसके नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जो हा है अपने ही वर्ग के, जो अपने प्रथम अगले वर्ड है, प्रथम वर्ड का अंतिम वर्ड, उसी वर्ग के क्या बदल जाएगा? चौथे वर्ड में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे पुत प्लस हार, क्या लिख दिया दोस्तों हमने?
कुछ प्लस हा लिख दिया। अब नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों ता के बाद में क्या आ रहा है, हा आ रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों कि ता के बाद में क्या आ रहा है, हा आ रहा है दोस्तों। अब हा आ रहा है तो इसके नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ता है किसमें बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। तो ये तो उद हो गया। और इस नियम के अकॉर्डिंग अगर इसके बाद में आ रहा है तो एक बार यहाँ बदलाव है तो हार को हम जो भी तो लिख देंगे, तो हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, उधार। क्लियर दोस्तों। और अगर इस नियम को फॉलो करें, इस नियम को कि इसका हा की जगह पे हम धा करें, तो क्या करेंगे दोस्तों, उद लिख दिया हमने और हा की जगह पे हमने क्या कर दिया, धार लिख कर दिया, धा धनुष कर दिया, उद्धार। और जब इन दोनों को मिला के लिखते हैं, जब आधा दा हो तो आधा दा हो और धा हो उसके पीछे, तो किस प्रकार लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार लिखते हैं उसको, धा को आग कर देते हैं, दा को पीछे कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। तो ये इसी का ही परिवर्तित रूप है, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। उद्धार हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं संधि के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, ता की जगह पे हा को इस प्रकार धा करते हैं, उद्धार ऐसे होता है। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल कोई देखे उद्धार की संधि क्या होगी दोस्तों, उद्धार की संधि उत्प्रस हा होती है। ये नियम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, संधि करते समय आपको दिक्कत ना हो। सपोज दैट वो आपसे कहते कि उद्धार का संधि विच्छेद कीजिए, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उद्धार का संधि विच्छेद क्या हुआ, तो उत्प्रस हार होगा। बात समझ में आपको आ गई। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों, सित प्लस हांत, सित प्लस हांत, समझना दोस्तों, सित प्लस हांत। तो सित प्लस हांत, हांत का क्या बनेगा दोस्तों, सिद्धांत। क्या बनेगा दोस्तों, सिद्धांत बनेगा। जैसे सपोज दैट दोस्तों इसका क्या होगा, इसके भी दो बनेंगे दोस्तों। एक तो इसका हो जाएगा क्या, सिद्धांत सीधा सीधा, और एक इस प्रकार हो जाएगा इसका दोस्तों, सिद्धांत। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, सिद्धांत हो जाएगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं। और एक ये भी नियम है दोस्तों, इस ना की जगह पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अनुस्वार भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको, सिद्धांत। ये अगला नियम में आएगा कि इसके जो पंचमांक चर है उसकी जगह पर अनुसार कैसे होता है, ये अगले नियम में हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। इस प्रकार ये हमारा सिद्धांत बना और ये सिद्धांत बना। फोर और एग्जांपल्स में इसकी लिख देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, जैसे उत्प्लस हरण होता है, उत्प्लस हरण होता है, तो इसके भी दो बनते हैं दोस्तों। एक तो बनता है उद्धरण और एक बनता है दोस्तों इसका उद्धरण। ठीक है, क्लियर। और एग्जाम्पल्स लिखते हैं दोस्तों, जैसे तत्प्लस हति, तत्प्लस हित, तो एक तो बनता है इसका दोस्तों तदहित और एक बनता है दोस्तों इसका तद्धित। क्लियर हो गया दोस्तों। इस प्रकार हमारे क्या है, इस संधि के विशेष नियम थे ये चार। पा का कोई नियम नहीं होता, केवल इन चार के होते हैं। चार के बाद में अगर हा हो तो ये दो नियमों को फॉलो करता है, एक तो हमारा पहला नियम और एक नियम ये कि ये अपने वर्ग के चौथे वर्ण वाला नियम फॉलो करता है। अगर बाय चांस आपको इस प्रकार की संधि करने के लिए दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार आप उनको संधि विच्छेद कर सकते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग। क्लियर दोस्तों, ये विशेष नियम थे, मैंने आपको करवाए। अब हम चलते हैं अपने मुख्य नियमों की ओर, यानी ये हमारे जो पहले और दूसरा नियम था, इनके क्या थे, चार और उप नियम थे, विशेष नियम थे। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट नियमों की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्लियर हो गया हमारे यहाँ तक फिनिश। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नियम की बात करें दोस्तों, हमारा अगला नियम है नियम नंबर सात की बात करें दोस्तों। तो नियम नंबर सात ये कह रहा है दोस्तों, हमारा नियम नंबर सात, देखो दोस्तों नियम नंबर सात की बात करें तो नियम नंबर सात ये कह रहा है, अगर दोस्तों दा के बाद में, किसके बाद में, दा के बाद में क्या हो दोस्तों, का ख, का ख, ता था, ता, था, पा, फा या सा। अगर दा के बाद में क्या हो दोस्तों, का खा ता था पा फा और सा, इनमें से कोई सा भी वर्ड हो किसके बाद में, दा के बाद में, तो क्या होगा, दा है अपने आप किसमें बदल जाएगा दोस्तों, इस दा को हम किसमें बदल देंगे, ता में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे दोस्तों, इस दा को
ता में बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, ता में बदल देंगे। बात क्लियर है, समझना दोस्तों, बहुत सीधा सीधा नियम है, कुछ नहीं है दोस्तों। व्यंजन संधि बहुत ही ईजिली होती है इसमें, क्योंकि सीधे सीधे नियम चलते हैं दोस्तों, इसलिए बहुत इजी होती है, कुछ नहीं करना होता, केवल बस उठा के चेंज करना होता है, कोई प्लस नहीं, कोई संधि नहीं, कोई इसमें वर्ड संयोजन करना ही नहीं पड़ता है, डायरेक्ट सीधे सीधे कर सकते हैं। अब इस नियम को समझना दोस्तों, कि अगर दा के बाद में क्या हो, का खा ता था पा फा और सा में से कोई सा भी वर्ड आए तो इस दा को किसमें बदल देंगे, हम ता में बदल देंगे। फुट एग्जाम्पल्स अगर बात करें, जैसे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स क्या है इस नियम के, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, तो इसके उदाहरण, सॉरी हिंदी में इंग्लिश का काम नहीं, उदाहरण की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों, इसके उदाहरणों में देखें, सबसे पहला मैं लिख देता हूं, जैसे दोस्तों आपको उद प्लस खनन, उद प्लस खनन। अब क्या करना दोस्तों, दा के बाद में खा गया, नियम क्या कह रहा है, दा के बाद में खा आ रहा है दोस्तों, तो इस दा की जगह पे हम क्या करेंगे, ता। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना दोस्तों, इस दा की जगह पे ये दा आधा है तो ता भी आधा कर देंगे दोस्तों, और खनन को जब की तो लिख देंगे उत्खनन। सीधा सीधा कुछ नहीं है दोस्तों इनमें, फोर एग्जाम्पल्स वन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, इसका दूसरा एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है दोस्तों, जैसे उद प्लस क्षिप्त, उद प्लस क्षिप्त, तो दोस्तों क्षिप्त आ रहा है। अब स्टूडेंट बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि छा आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे छा नहीं है। अगर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि छा क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है, और छा किससे मिलकर बनता है दोस्तों, का और सा से मिलकर बनता है, तो अगर का छा का क्या करेंगे, वर्ड वियोजन करेंगे दोस्तों छिप्त का, तो कैसे होगा, का धन साधन छोटी, इस प्रकार होगा, तो का ऑटोमेटिकली इसके पीछे आ जाएगा दोस्तों। तो इस नियम से इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, दा के बाद में का आ रहा है, तो इस नियम से क्या हो जाएगा, दा की जगह पे आधा ता हो जाएगा, उत्क्षिप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नंबर तीसरा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं दोस्तों, थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, थर्ड एग्जाम्पल उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट अगर नहीं समझते हो, तो उत्क्षिप्त किसको बोलते हैं, ऊपर फेंकने को बोलते हैं, किसको बोलते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर फेंकना। क्लियर हुआ हमारा कि उत्क्षिप्त का मतलब तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, ऊपर फेंकना, क्लियर। अब जैसे मान चलो फोर एग्जाम्पल्स हमारा अगला है उद प्लस कंठा, उद प्लस कंठा, नियम वही है, का आ रहा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, दा की जगह पे आधा ता और कंठा को जो कि तो लिख देंगे उत्कंठा, क्या हो जाएगा दोस्तों उत्कंठा। उत्कंठा को क्या होता है दोस्तों, उत्कंठा किसे बोलते हैं, कि अगर अपने प्रियतम होता है, अपने जिसको हम प्यार करते हैं, उसको पाने की अगर जो लालसा होती है हमारी, प्रियतम को पाने की लालसा क्या कहलाती है दोस्तों, उत्कंठा कहलाती है, क्लियर। अब बात करें हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल्स की, तो फोर्थ एग्जाम्पल से दोस्तों हमारा, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा भी जाता है, उत्तुंग, यानी उद प्लस तुंग, उद प्लस तुंग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मोस्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, अच्छे से इसको लर्न भी करना, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ता आ रहा है दोस्तों, इस नियम के अकॉर्डिंग इसको सीधा ही सीधा हम कर देंगे, उत्तुंग, उत्तुंग, ठीक है। और देखो दोस्तों क्या होता है कि उत्तुंग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और हमें बुकों में लिखा मिलेगा तो इस प्रकार मिलता है, यानी यहाँ पे आधा ता इस प्रकार लगा देते हैं और उत्तुंग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल इस प्रकार भी इसको हम लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है उत्तुंग, ठीक है। उत्तुंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, शिखर होता है, क्या होता है, शिखर। उत्तुंग बोलते किसे हैं हिंदी में, इसका तात्पर्य होता है शिखर, क्या होता है, क्लियर, शिखर होता है। बात करें अपने पांचवें एग्जाम्पल्स की दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है उद प्लस पादक, उद प्लस पादक। देखो दोस्तों दा के बाद में क्या आ रहा है, पा, दा के बाद में क्या आ रहा है, पा, तो दा किस में बदल जाएगा, ता में, तो क्या हो जाएगा, उत्पादक, क्लियर। बात करें अपने नेक्स्ट छठवें एग्जाम्पल्स की, छठवें एग्जाम्पल्स है दोस्तों उद प्लस सारण, उद प्लस सारण, तो सारा दोस्तों दा के बाद में, तो क्या हो जाएगा इसका, उत्सारण, क्या हो जाएगा, उत्सारण। अब देखो दोस्तों उत्पादक का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले, आपको बताया कि उत्पादक किसे बोलते हैं, तो पैदा करने वाले को उत्पादक बोलते हैं। मान चलो आप किसी भी चीज को पैदा कर रहे हैं, तो आप पैदा करने वाले हो गए, तो पैदा करने वाले को बोलेंगे उत्पादक,
बात करें उत्सारण की, उत्सारण किसे बोलते हैं, तो उत्सार बोलते हैं किसी चीज को हम हटाते हैं तो उसको उत्सारण बोलते हैं, हटाना। उत्सारण का तात्पर्य क्या होता है, हटाना। बात करें फॉर एग्जाम्पल अपने सेवंथ की, नेक्स्ट अगला जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो अपना ये है कि उद प्लस कोच, उद प्लस कोच जिसका होता है उत्कोच, उत्कोच। उत्कोच किसको बोलते हैं दोस्तों, रिश्वतखोरी को, रिश्वतखोरी को उत्कोच बोलते हैं। समझ गए दोस्तों, क्लियर हुआ हमारा ये पॉइंट्स। नेक्स्ट जो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों वो है हमारा उद प्लस फुल, उद प्लस फुल, ठीक है, दा के बाद में फुल आ रहा तो क्या हो जाएगा, उत्फुल, उत्फुल। और उत्फुल का तात्पर्य होता है दोस्तों खिला हुआ, खिला हुआ। इनके दोस्तों अर्थ भी याद रखना, अपनी शब्दावली भी यहाँ पे मजबूत करके चलना है आपको, क्योंकि तो आप जब एग्जाम पास कमीशन की तैयारी करते हैं, कमीशन की एग्जाम की तैयारी करते समय दोस्तों बहुत ही कमीशन होता है, उसमें हर बारीक से बारीक पॉइंट पे ध्यान रखना है। एग्जामिनर की मुर्गी बात होती है दोस्तों, कब बेसिक सी जानकारी पूछ ले, आप क्या होते हैं गहराई में चले जाते हैं, बहुत गहरी गहरी चीजें पढ़ने लग जाते हैं, हर चीज को हम गहराई से देख रहे हैं, लेकिन अगर उसकी बेसिक जानकारी अगर हमें पता नहीं हो दोस्तों तो हम क्या हो जाते हैं, वहीं पे अपने माइनस पॉइंट चला जाता है, वहीं पे हम फेल हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि संधियां कर तो रहे पर इनके हमें अर्थ भी पता होना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट की समस्या ये होती है वो संधियां क्या करता है दोस्तों, कर लेता है, करने के बाद में बस उत्प्रस क्षिप्त, उत्क्षिप्त इतना रख ले, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है। उद्प्रस्तुंग उसने इतना पढ़ लिया कि उत्तुंग इसका क्या उदाहरण है, उत्तुंग का मतलब क्या होता है किसी को नहीं पता होता है। इन बेसिक चीजों पर आपको याद रखना, फोकस करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है एग्जाम में, ये सारे पॉइंट्स याद रखने, एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है हमारी परीक्षाओं के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं और कराता हूँ दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उनके बारे में कुछ और विशेष चीज आपको बताऊंगा, वो देखना आपको यहाँ पे। देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हमारे और हैं दोस्तों, जैसे फोर एग्जाम्पल, जैसे मान चलो हम यहाँ लिख देते हैं विपद प्लस ती, ठीक है दोस्तों। एक एक नेक्स्ट एग्जाम्पल नौवा, नेक्स्ट दसवां एग्जाम्पल दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको तद प्लस काल, तद प्लस काल। ग्यारहवां एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों तद प्लस सम। बारहवें एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों सद प्लस संग, सद प्लस संग। और तेरहवां एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ सद प्लस कर्म, सद प्लस कर्म। तो देखिए दोस्तों विपद प्लस ती, पहले तो इसको ही कर लेते हैं, विपद प्लस ती का क्या होता है देखो, अगर इसकी बात करें दोस्तों विपद प्लस ती की, देखो दोस्तों दा के बाद में क्या आ रहा है, ता रहा है, तो नियम के अकॉर्डिंग विप तो हमने जो की तो लिख दिया और दा की जगह पे क्या कर दिया ता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आधा ता यहां जुड़ जाएगा, विपत्ति हो जाएगा। बात करें दोस्तों ता के बाद में क्या आ रहा है, का आ रहा है, तो ये आधा का हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा। बात करें यहाँ पे तद प्लस सम की, तो यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, आधा ता हो जाएगा दा की जगह पे। यहाँ पे बात करें सत प्लस सम की, तो दा की जगह ता हो जाएगा और सत्सम हो जाएगा। सत प्लस कर्म की बात करें दोस्तों, तो दा की जगह पे क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा और सत्कर्म हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, लेकिन विशेष बात याद रखना दोस्तों इनकी कि मूल उपसर्ग अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो ता तद दे रखा है, क्या दे रखा है इन दोनों में, तद। यहाँ पे क्या दे रखा है, सद, क्या दे रखा है दोस्तों, सद दे रखा है, तद और सद। तो याद रखना दोस्तों की जो तद और सद, तद और सद, ये दोनों उपसर्ग हैं, ये मूल रूप से, ये मूल रूप से दोस्तों तत् और सत ही हैं। संस्कृत में इनको तत् और सत ही बोला जाता है, संस्कृत में अगर इनकी विच्छेद करेंगे दोस्तों तो सत प्लस काल, सत प्लस सम, सत प्लस संग, सत प्लस कर्म और तत् प्लस सम और तत् प्लस काल होगा। लेकिन हिंदी में जब ये आए दोस्तों तत् और सत आए हिंदी में, हिंदी में इनका प्रयोग तद और सद की तरह होने लगा है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों कि तद और सद हिंदी में इनका प्रयुक्त रूप है, लेकिन संस्कृत में तद और सद को तत् और सत की जगह पे यूज किया
जाता है। ये मूल रूप से तद और सद क्या है दोस्तों, तत् और सद हैं। क्लियर। अब देखो दोस्तों नियम नंबर 7 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इस नियम नंबर 7 से रिलेटेड कुछ 2-3 विशेष नियम मैं आपको और बताता हूँ, उनको भी देखें दोस्तों आप। स्क्रीनशॉट तो ले रहे होंगे, बाद में नोट्स सब से बनाए सभी के। मैं सारे इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ दोस्तों आपको। अगर नियम नंबर 8 की बात करें दोस्तों, नियम नंबर 8 हमारा, नियम नंबर 8 क्या है दोस्तों, इसी नियम नंबर 8 के ही क्या है दोस्तों, ये विशेष नियम चलेंगे यहाँ पे कुछ, इसी से संबंधित नियम है, इसी से रिलेटेड नियम है दोस्तों। समझना कि यहाँ पे दा के बाद में का खा ता था पा फा और सा, हमें समझना है सा के बारे में थोड़ा सा, इससे संबंधित है कुछ विशेष नियम क्या है दोस्तों। समझें कि नियम नंबर 8 हमारा ये कह रहा है कि यदि उद के बाद में, किसके बाद में दोस्तों, यदि उद के बाद, यदि उद के बाद स्था स्तंभ आने पर, स्था या स्तंभ, स्था या स्तंभ आने पर, स्था या स्तंभ आने पर, स्था व स्तंभ के सा का लोप हो जाता है, के सा का लोप हो जाता है। मैंने आपको लोप ठीक है सब बता दी है दोस्तों, लोप क्या होता है हमारा, आगम क्या होता है दोस्तों, ठीक है, प्रकृति भाव क्या होता है दोस्तों, और आदेश क्या होता है, सारे नियम हमने पहले समझा दिए हैं, आप हमारे पीछे क्लासेज में आकर देख सकते हैं। ये हमारी हिंदी की 28वीं क्लास है दोस्तों, क्लास 28 में, इससे पहले हिंदी की 27 क्लास हो चुकी है। उन 27 क्लासेज में हमने हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी वर्ड विचार के बारे में, हिंदी के राजभाषा संविधानिक तौर तरीकों के बारे में, संवैधानिक नियमावली के बारे में, सारे तथ्यों के बारे में और वर्ड विचार के हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए दोस्तों। ये हमारी संधि चल रही है और क्लास 28 में है हिंदी की, समझना। तो ये दोस्तों कह रहा है कि अगर उद के बाद में, धा तो आ ही रहा है दोस्तों, उद उद में धा तो पीछे ही है, उद के बाद में क्या हो, स्था और स्तंभ यानी सा भी आ रहा है, थो तो क्या होगा उस कंडीशन में दोस्तों, स्था और स्तंभ के जो सा होंगे इनका क्या कर देंगे, लोप यानी इनको हटा देंगे बिल्कुल। लोप का मतलब होता है हटाना, लोप का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, हटाना। तो इनको क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखो दोस्तों कैसे, जैसे मान चलो सपोज दैट हम यहाँ पर लिख देते हैं उद प्लस स्थान, उद प्लस स्थान। तो दोस्तों देखो क्या है, नियम के अकॉर्डिंग ये है कि उद के बाद में क्या है, ये स्था स्तंभ आएंगे, इसी के विशेष नियम है। नियम तो हमारा ये कह रहा है कि दा के बाद में क्या हो, सा हो, दा के बाद में क्या हो, सा हो, तो दा से बदल जाएगा ता में, तो ये तो ता में बदल जाएगा, यानी ये तो जो उद है, उद का जो दा है, ये किस में बदल जाएगा, तीसरे में, यानी ता में बदल जाएगा। पर स्थान होने की वजह से, यानी यहाँ पीछे क्या आ रहा है दोस्तों, स्था आ रहा है, स्था होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें से सा का लोप हो जाएगा, सा को हटा देंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। समझना दोस्तों। वैसे अगर आपसे उत्थान का वर्ड विच्छेद पूछे तो उद प्लस स्थान ही होता है दोस्तों, लेकिन बाय चांस वो आपको उद प्लस स्थान इस प्रकार संधि विच्छेद दे दे और आपसे कहे कि इसका क्या कीजिए, संधि कीजिए, तो आपको याद रखना है स्था और स्तंभ आए किसके बाद में, दा के बाद में, तो दा तो अपने भर के यानी ता में, अपने दा तो ता में बदल ही जाएगा, पर जो सा होगा उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेक्स्ट और लिख देता हूं मैं, जैसे उद प्लस स्थापन, उद प्लस स्थापन। अब क्या उद के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, स्था आ रहा है, दा तो ये ता में बदल जाएगा, तो ये तो उत हो जाएगा, पर इस सा का क्या कर देंगे हम, लोप कर देंगे और उत्थापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्थापन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट और लिख देता हूं, जैसे उद प्लस स्थित, उद प्लस स्थित, ठीक है दोस्तों, तो यहां पे स्था आ रहा है तो क्या होगा, उत्थित, इस सा का क्या कर देंगे हम, लोप कर देंगे, हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट और लिख देते हैं, जैसे उद प्लस स्तंभ, उद प्लस स्तंभन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दा की जगह पे ता हो गया और सा को हम हटाई देंगे तो तंभन कर देंगे, क्या कर देंगे, तंभन,
उत्थम्भन क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्थम्भन हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बात क्लियर होगी दोस्तों, नियम नंबर 8 क्लियर हुआ आपका, अच्छे से समझ लेना दोस्तों। अगर स्था और स्तंभ आ जाएं तब हमें सा का लोप करना है, अगर स्था स्तंभ ना हो तब उस समय सा का लोप हमें नहीं करना है, उस कंडीशन में। क्लियर। नेक्स्ट नियम नंबर 9 देखें दोस्तों, नियम नंबर 9 देखिए दोस्तों, इसी दा से संबंधित है। नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 ये कह रहा है दोस्तों हमारा, नियम नंबर 9 की बात करें कि यदि दा से पहले क्या हो दोस्तों, यदि दा से पहले, यदि दा से पहले क्या हो रिकार यानी रीश्वर आ, रीश्वर यदि दा से पहले रीश्वर आ जाए तो दा का डकार, तो दा का डकार, डकार का मतलब अणा, आदेश हो जाता है। तो दा का डकार आदेश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे दोस्तों, जैसे मृत प्लस मय, मृत प्लस मय। अब देखिए दोस्तों यहां पे नियम क्या कह रहा था इसको समझना। नियम हमारा ये कह रहा है कि अगर दा के बाद कोई भी आ जाए, कोई भी वर्ड हो दोस्तों, लेकिन दा से पहले, यानी ये तो हमारा दूसरा सेकंड पद है, ये हमारा प्रथम पद है, लेकिन इससे पहले क्या हो दोस्तों, क्या हो री हो, क्या हो री, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दा डा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, दा डा में बदल जाएगा। और इधर एक्स वाई जेड कोई भी वर्ड हो सकता है हमारा, हम कोई भी कह सकते हैं। तो अगर क्या होगा दोस्तों, दा से पहले क्या हो री आ रहा हो, क्या आ रहा हो री आ रहा हो इधर, तो क्या होगा दा किस में बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा, अड़ा डकार आदेश हो जाएगा उसका। अब देखिए दोस्तों इधर दा से पहले, इधर देखिए कंडीशन क्या बनी, दा से पहले क्या आ रहा है री, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, री आ रहा है दोस्तों, तो ये दा किस में बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा, अड़ा बदल गया दोस्तों, आधा अड़ा लिख दिया, क्योंकि जब आधा लिखते हैं तो खड़ी पाई हटा देंगे, खड़ी पाई हटा दी हमने, और पीछे क्या है मय, इसको जो की तरह लिख देंगे मृणमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मृणमय हो जाएगा। तो मृदमय, मृद प्लस मय क्या बना इसका दोस्तों, मृणमय बना। क्लियर। अगला दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखें, नेक्स्ट जैसे मृत प्लस मूर्ति, मृत प्लस मूर्ति, तो दा से पहले क्या रिकार आ रहा है दोस्तों, तो इसको किस में बदल देंगे, अणा में बदल देंगे, डकार आदेश कर देंगे, तो मृद मूर्ति हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट और जैसे हम कर दें मृद प्लस मई, तो क्या हो जाएगा इसका मृणमयी, क्या हो जाएगा मृणमयी। बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स हैं दोस्तों, नियम है, ये नियम से आपको ज्यादातर किताबों में नहीं मिलेंगे दोस्तों, ज्यादातर ये नियम क्या होते हैं बनाए जाते हैं दोस्तों, ये कुछ विशेष किताबों में आपको मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखें। मैं आपको यहाँ पे विशेष यानी हर फैक्ट से यानी हर नियम को, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नियम को लेकर चल रहा हूँ। आपको बस यहाँ क्या करना है दोस्तों, अपने फेयरबुक बना लें, अच्छे से नोट्स बना लें, सेट कर लें। मैं आपको रेगुलर क्लासों के माध्यम से, भले ही बीच में गैप हो सकता है, पर क्लास वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से खत्म हुआ है, लेकिन दोस्तों बीच में मुझे काम था इसलिए 2-4 5-6 दिन का गैप लग गया आपको। अब कोई गैप नहीं लगेगा, अब रेगुलरली आपका क्लासेज चलेंगी हिंदी की। तो दोस्तों आप आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, इन सभी को आपको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, क्योंकि आगामी कुछ समय बाद परीक्षाएं, भर्तियां आने वाली हैं, परीक्षाएं होने वाली हैं। आप अभी से प्रिपेयर हो जाए अपने लिए, और प्रिपेयर हो जाएंगे तो दोस्तों उस समय आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप अभी प्रिपेयर नहीं होंगे तो उस समय आप बस प्रिपेयर होने में ही आपका समय निकल जाएगा, रिवीजन के लिए समय नहीं मिलेगा। तो अभी से आप अपने आप को तैयार कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में यानी 29वीं क्लास में। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
दूसरी बात, एक और बात याद रखें दोस्तों, वीडियो को यानी इन क्लासेज को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें इनसे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमें पढ़ाने में भी थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अलविदा, चलते हैं।